मुनाफा देखने को मिल रहा है, और घबरा के भी तो वैसे कुछ होता नहीं है, आपको एक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। इनफैक्ट यही बात हम आगे लेके चलते हैं। राजेश कोठारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अल्फा एक्यूरेट के समबड़ी, जिन्होंने बहुत बाजार में उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर से लेके अब ऑफकोर्स लास्ट एक दशक से अपना फंड चला रहे हैं अल्फा एक्यूरेट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पीएमएसएस हैं। राजेश गुड आफ्टरनून। तो पहले इससे पहले कि आप क्या ले रहे हैं और आपका बाजार का व्यू, मैं जानना चाहूंगा कि लास्ट दो तीन दिन आपके कैसे रहे, आपने अपने हाई कन्विक्शन आइडियाज एंड पोजीशंस ऐड की क्या, आपको किस तरह के कॉल्स आ रहे थे अपने बड़े फंड से, और अगर वो थोड़ा बता सके, क्योंकि ये बहुत सारी नई क्रॉप ने ना जियोपॉलिटिकल इश्यू ट्रिगर्ड करेक्शन देखा नहीं है शायद। आपकी बात बिल्कुल सही है अजय कि जिसे मार्केट में कहा जाता है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, नोबडी कैन टाइम द मार्केट। तीन दिन पहले अगर आप पूछे तो रिटेल इन्वेस्टर काफी डरे हुए शायद रहेंगे कि बाजार इतना नीचे आ गया, थोड़ा पैनिक मोड भी बाजार में आ जाता है, और वही चीज जो लोग वेट करते हैं कि चार दिन के बाद थोड़ा और माहौल अच्छा हो जाए फिर हम पैसा डालेंगे, और फिर अगर आपने यस्टरडे देखा रहेगा तो पूरा रिकवर हो गया। तो मेरा यही कहना है कि वोलेटिलिटी जो है वो इक्विटी मार्केट का नेचर है। जैसा पानी रहता है दरिया का पानी, तो उसमें भर्ती और ओट आनी ही है, करेक्ट, हाई राइज एंड लो राइज होने ही वाला है। सिमिलरली इक्विटी मार्केट का वोलेटिलिटी इट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इक्विटी मार्केट। यू टेक वोलेटिलिटी एज योर फ्रेंड, आपको वोलेटिलिटी का एडवांटेज उठाना है, एंड जो वो एडवांटेज उठा सकते हैं वो ज्यादा रिटर्न कमाते हैं, जो नहीं उठा सकते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आप पैनिक मत कीजिए। ऐसे जो खराब समय रहता है, जब भी सपोज बाजार 4% डाउन दिखता है, 5% डाउन अगर दिखता है, तो वो दिन पे आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, कीप न्यूट्रल, डोंट रीड टू मच ऑफ द नॉइस, बिकॉज नॉइस को आने में और जाने में सिर्फ एक न्यूज का फ्लैश लाइन काफी होता है, सो वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे। रही सवाल आपका, जो सवाल रहा कि हमारा पोर्टफोलियो में व्हाट वी हैव डन काइंड ऑफ थिंग, सो वी कीप एडिंग टू अवर पोजीशंस, वी फॉलो स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जो हमारे पीएमएस में कस्टमाइज पोर्टफोलियोज रहते हैं, तो जहां पे हम काफी कैश पे जो बैठे थे, तो कैश हमने काफी सारा यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे रादर स्टेगर्ड अप्रोच पे वी हैव स्टार्टेड फर्दर इंक्रीजिंग अवर इन्वेस्टेड लेवल्स। बैंकिंग एंड फाइनेंस कंटिन्यूज टू लुक वेरी गुड, तो वहां पे हमने थोड़ा वेटेज और बढ़ा दिया है। स्पेशलिटी केमिकल कंटिन्यूज टू लुक गुड, तो वहां पे भी सिलेक्टिवली हमने बढ़ाया हुआ है। सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी इज ए बॉटम अप मार्केट, जैसा हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि 2022 का जो साल है वो मैक्रो पे मत जाइए आप, ये साल बॉटम अप अप्रोच रहेगा, एंड दैट विल बी द मोर रिवॉर्डिंग इन 2022 इन अवर व्यू। राजेश एक और फॉलोअप सवाल मेरी तरफ से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि Q3 अभी भी खत्म हुआ है, आपने कोई मटेरियल चेंजेस किए हैं क्या पोर्टफोलियो में अपने पार्ट ए और पार्ट बी? आपका पोर्टफोलियो जो है मिक्स्ड वाला, जो है मिड कैप स्मॉल कैप और लार्ज कैप मिक्स्ड वाला जो पोर्टफोलियो मल्टी कैप, उसकी अर्निंग्स की पिक्चर नेक्स्ट 12 मंथ्स में कैसी नजर आ रही है? दो सवाल आपने पूछे एक सवाल में, तो लेट मी आंसर वन बाय वन। सबसे पहले जो पोर्टफोलियोज जो रहते हैं उसमें दो चीज होती है, एक होता है कि अर्निंग्स अपग्रेड डाउनग्रेड होते हैं, और दूसरा होता है कि वैल्यूएशंस बिकॉज ऑफ द मार्केट मूवमेंट अपग्रेड डाउनग्रेड होता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है कि आगे क्या दिख रहा है। जो होना था वो तो हो गया थर्ड क्वार्टर में, आगे क्या दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर सेक्टर्स विच वर इम्पैक्टेड इन थर्ड क्वार्टर कॉन्ट्रेरी टू व्हाट पीपल थॉट अर्लियर, 6 महीने पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इतना मार्जिन्स में इंपैक्ट होएगा, सो देर आर सेक्टर्स विच गॉट एडवर्सली इंपैक्टेड लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स। बट फ्रॉम हियर ऑन वी थिंक द पिक्चर इज गोइंग टू बी मच ब्राइटर, सो वी डोंट नीड टू सेल, इनफैक्ट वी शुड टेक एनी करेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू द ऑटोमोबाइल कंपनीज, बिकॉज 2022 में और 2023 में कैलेंडर ईयर CY22 एंड CY23 में the volume growth will come back which was got impacted for last 4 years, number one. The margins which are also impacted because of semiconductor shortage will gradually, that shortage will reduce. जैसे ही shortage कम होएगी आपका volume growth को आपको support मिलेगा. और number three, the EBITDA margins जो है वो शायद और एक quarter will be a little bit under challenge quarter,
बट उसके बाद का क्वार्टर से इबिटा मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखना चालू होएगा. तो लाइक वाइज यू टू आइडेंटिफाई वॉट आर द हेडविंड्स एंड टेलविंड्स ऑफ एवरी सेक्टर एंड अकॉर्डिंगली वन नीड्स टू एक्ट. सो देर आर सेक्टर्स वेयर द मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज एंड देर इज ए टिपिकली यू नो वन से टू क्वार्टर, तीन से छह महीने का एक लैग पीरियड होता है प्राइस इंक्रीज करने में. उसके बाद वापिस आपका मार्जिन पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं. तो ये काइंड ऑफ ए वन ऑफ क्वार्टर एज्यूम किया जाता है कि ये सस्टेनेबल प्रॉब्लम नहीं है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है या ट्रांजिटरी प्रॉब्लम है. दूसरा एक ऐसा सेक्टर, काफी सेक्टर रहे जिसमें पॉजिटिव सरप्राइज आया. से फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एंड फाइनेंस, द प्रोविजंस वर लोअर देन एस्टिमेटेड, द स्लिपेजेस रेशियोज आर ऑल्सो बेटर देन व्हाट एवरीबॉडी थॉट, एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग, एनआईआई ग्रोथ इज इंप्रूविंग. सो वहां पे हमने पॉजिटिव ट्रेंड्स देखा. स्पेशलिटी केमिकल की बात करें जो हमारा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर रहा है, काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स हमें नजर आए, काफी पॉजिटिव सरप्राइजेस वी हैव सीन इन मेनी कंपनीज इन अवर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स. पूरा आईटी सेक्टर की बात करें तो पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर इज ऑल्सो डन रीजनेबली वेल. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट विच आर प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट लाइक यू नो प्लाईवुड, टाइल्स, वायर्स, केबल्स, तो यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियों ने बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिया है कंपेयर टू व्हाट वी थॉट दे विल डिलीवर इन थर्ड क्वार्टर. सो ओवरऑल नेट नेट द थर्ड क्वार्टर हैज बीन रीजनेबली गुड फॉर अवर पोर्टफोलियो कंपनीज एंड वी एक्सपेक्ट अवर कंपनीज टू कंटिन्यू टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ ओवर नेक्स्ट टू टू थ्री ईयर्स. राजेश, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ईटी नाउ ऑफ देश को समय दे रहे हैं. अभी आप सेक्टर्स की बात भी गिनवा रहे थे, मैं एक थोड़ा सा इसी को ही एक्सटेंशन में क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. क्योंकि 2021 का साल ना सभी शेयर्स के चलने का साल था. 2022 के अंदर आपको पता है पहले एक डेढ़ महीने में ये बात पता लग गया कि जो स्ट्रांग कंपनीज है उनको आप अलग देखिए और जो वैसे इन्फ्लेट हो रही थी आप उनको अलग से देखिए. अब मेरे को ये आपसे पता करना है, एक तो लीडरशिप किसके पास रहने वाली है 2022 के अंदर, कुछ अपने आइडिया, कुछ अपनी थी अपना एनालिसिस किया होगा, कुछ आपके पास फैक्ट शीट्स होगी कि हाँ ये कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी लीडरशिप रहेगी. दूसरा, ये इन्फ्लेशन परेशान कितना करेगी इस बार, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2022 के अंदर जो सबसे बड़ा कल्प्रिट रहेगा मार्केट का वो रहेगी इन्फ्लेशन. दूसरा सवाल मैं पहले आंसर करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा कल्प्रिट जो मार्केट में रहता है इन्फ्लेशन, यू आर राइट. लेकिन इन्फ्लेशन दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा. एक, कितना इन्फ्लेशन ऑलरेडी प्राइस डीन है. अभी एक यू नो एक रेट रेस लगी हुई है ग्लोबल फर्म्स में. अगर आप देखेंगे तो कोई बोलता है पहले वन टाइम फेड रेट है, फिर बोलता है दो होएगा, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, किसी ने कह दिया छह, और किसी ने रिपोर्ट भी लिख दिया कि सेवन फेड रेट है कुछ होएंगे, यू नो. तो एवरीबॉडी वांट्स टू राइट कि भाई एट होएंगे, नाइन होएंगे, बट इट्स नॉट, लाइफ इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट इजी. इट इज नॉट लाइक लीनियर लाइन, राइट, थिंग्स आर नॉट दैट इजी. So inflation definitely is an enemy, but one need to keep in mind that the base will come in your favor starting from June, July. So in second half, same inflation will cool down on YOY basis. You are not going to see consistent increase in inflation, number one. Number two, ye inflation ki jo charcha main aur aap jo dono kar rahe hai, to already ye logo ko malum hai. So it is not a new devil. It is a known devil. People know how to deal with it. Corporate India is increasing prices to the consumers, to their customers over a period of time. So with a lag effect from probably a one or two quarter later on, you will not see this as a problem. In fact, this will increase your revenue growth. Teesra, please remember, moderate inflation is healthy for any economy. If there is a zero inflation, it is actually a problem. A moderate inflation is what is required for a country like India. And look at 2003 to 2006, when the inflation moved up from 4%, 5%, 6% to 7% kind of thing, the corporate profit to GDP also went up. And Sensex went up 5 times in 5 years. So hyperinflation is bad. Zero inflation is bad. Moderate inflation is healthy for global economy and so for India. Coming to your first question, as you rightly started, you know, your comment, 2021 mein kya hua hai ki all poor quality stocks, companies without good fundamentals, without good balance sheet, without good governance, without good management, those stocks have done skyrocketing performance. 200% upar, 300% upar, 400% upar. Lekin uska back end jo hai, uska roots jo hai, they are very weak. They are poor companies.
but the stock price has been extremely super performance, as if that the companies are great, but they are not. 2022 will be a reverse year. It will be a year of only good quality companies. And good quality companies are those who can fight the inflation successfully. How you decide it? First, pricing power. Whether my company has an ability to increase price. And number two, how much money I need to raise from outside. Because inflation is going up, interest rates are going to move up. And if I'm dependent on outside money, either equity or debt, it is not a healthy sign. So pricing power and low leverage will be the deciding factor in my view. And therefore, such resilient companies, such high quality companies with a good earnings growth will be the super performers in my view. And that will be across the sectors. It is not going to be limited to only one sector or two sectors. जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर हो, या चाहे आपका कंज्यूमर हो या बिल्डिंग मटेरियल हो. लुक एट फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक टाइटन, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे हैव डिलीवर्ड इन थर्ड क्वार्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, यू नो. सो वेदर इट इज अ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सेक्टर, एनी कंपनी व्हिच डिलीवर्स सच काइंड ऑफ अ सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ विद अ बेस्ट ऑफ द बैलेंस शीट, आई थिंक उसके बाद दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ दैट. राइट राजेश, आपने हालांकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, और मेरा एक सवाल है जो इस सवाल में पूछा, उसका कुछ हद तक आंसर आप दे चुके हैं, लेकिन वेरी प्रिसाइसली आपसे जानना चाहते हैं, क्या बाजार में जब तक फेड के रेट हाइक नहीं होते इसी तरह से वॉलेटिलिटी रहेगी? क्या हमने सारा फैक्टर इन कर लिया या अभी बाकी है? वॉलेटिलिटी रहेगी, नो डाउट अबाउट इट, नॉट ओनली फेड रेट रिलेटेड, बट देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स व्हिच विल मेक मार्केट वॉलेटाइल. वॉलेटिलिटी इज नेचर ऑफ मार्केट. एवरी ईयर यू विल फाइंड सम रीजंस. This year, you have got reason of Russia and Ukraine, or you will see Fed rate hike. Ek saal pehle reason tha pandemic, lockdown, unlockdown, lockdown, unlockdown. Teen baar ho chuka hai pure world mein lockdown, unlockdown. Correct? So you had a that kind of volatility. Uske agle saalon mein credit crisis related volatility. Uske agle saalon mein election related volatility. Uske agle saal mein state election related volatility. So volatility is nature of market. You have to live with it. You need to have a stomach to absorb the volatility, to absorb the downside on a particular day. But the person who has a long-term view, 5 years plus view, it is for those where the equity market creates a very strong wealth creation for the future. Well said, Mr. Kothari. बहुत बहुत शुक्रिया अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए. आप कई बार हमें सेम चीज़ एक डिफरेंट अंदाज में जरूर समझाने की कोशिश करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you.